अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उनके इसरार पर चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने शो सॉल्व करवाऊंगा आपको, और इसके भी मैं 3 लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को कवर करेगा, और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। और अब पेपर के वक्त भी करीब आ चुका है बेटा, तो पेपर के लिए गुड लक। शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल का आगाज कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप कहलाती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिवली थोड़ी आसान होती है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम प्रोजेक्टाइल का एंगल लॉन्च करते हैं वो इस किस्म का होता है, और ये एंगल 0 से ग्रेटर देन होता है। और दूसरी टाइप की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम करते ये हैं कि हम किसी हाइट पर खड़े हो जाते हैं और किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, यानी हम एंगल लॉन्चिंग एंगल 0 डिग्री रखते हैं। तो जाहिर है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो मोशन तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, तो ये वाली मोशन हॉरिजॉन्टल है। तो इन दोनों में से मैं आज जो आपको पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल हैं, जिस पर हम आज बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। ये मेरा पहला लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1। मैं आपको ये सवाल पढ़ूंगा, यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, बगैर डायग्राम के डेटा आपको समझ में नहीं आएगा। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज। रेस्क्यू यानी इमदाद करने वाला एक हेलीकॉप्टर है, ड्रॉप्स गिराता है अ पैकेज एक पैकेट को ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी ऑन द ग्राउंड। जमीन पर मौजूद मुतासरा खानदान पर एक पैकेट गिराया जाता है, जैसे शराब वगैरह आ जाता है कहीं, तो होता है ना वो जो पैकेट और खुराक वगैरह बांटते, तो इस हवाले से सवाल बनाया है। तो उन्होंने कहा कि लेट सपोज बेटा, मैं आपको समझाने के लिए सपोज कर लें कि बेटा ये है वो हेलीकॉप्टर और ये है वो पैकेट जो गिराया जा रहा है। ठीक है, यहां पर गिराया है। इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, बेटा ये जो हेलीकॉप्टर है ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है तो हेलीकॉप्टर में मौजूद हर चीज की वेलोसिटी 40 ही होगी जाहिर है। और उसने कह दिया ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी में कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, यानी ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। देखें, जब पैकेट को यहां से हम रिलीज करेंगे तो ये पैकेट हॉरिजॉन्टली जाने के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये कहीं जाकर स्ट्राइक करेगा, सपोज करें जमीन पर। तो जब ये जमीन पर स्ट्राइक करेगा तो ये इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगी। अच्छा, कहता है इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी ये जो पैकेट है ये 100 मीटर की हाइट से गिराया गया है, रिलीज किया गया है, और जिस वक्त रिलीज किया गया था उस वक्त उसकी स्पीड 40 थी। तो याद रखिएगा कि जिस वक्त प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो चूंकि वेलोसिटी इनिशियल है और पूरी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो उस वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा। ये देख लीजिए, वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा और पूरी वेलोसिटी उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगी। वी पूरी वेलोसिटी वी नॉट उसका एक्स कंपोनेंट होगी, वाई कंपोनेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई कंपोनेंट 0 होता है इनिशियल। अच्छा बेटा, प्रोजेक्टाइल चूंकि हेलीकॉप्टर से रिलीज किया है, हेलीकॉप्टर 100 मीटर की हाइट पर है, तो जो ये पैकेट है, ये पैकेज है, ये 100 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल में जब प्रोजेक्टाइल इंक्रीजिंग हाइट ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हाइट ली जाती है, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो हाइट को डिक्रीजिंग हाइट है तो नेगेटिव 100 लिया जाएगा। ये याद रखिए, वेक्टर फॉर्म है तो ये वाई की वैल्यू -100 ली जाएगी। वो कहता है वेयर वेयर
वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड, पैकेट कहां पर स्ट्राइक करेगा, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसको हम एक्स कहते हैं, ये हमें एक्स कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करना है। और जिस वक्त ये पैकेट जमीन से टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी फाइनल वी होगी उसका एक्स और वाई कंपोनेंट पूछा है, यानी व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो बेटा मैं आपको ब्रीफली फिर समझा दूं कि हमने एक हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से एक पैकेट यहां रिलीज किया, ये पैकेट क्योंकि हेलीकॉप्टर में था तो इसकी वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी के बराबर ही ली जाएगी और पूरी वेलोसिटी उसका एक्स कंपोनेंट होगी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। 100 मीटर की हाइट पर है तो वाई माइनस मिलेंगे बिकॉज ये नीचे आएगा, जब ये नीचे गिरेगा तो जहां से रिलीज किया है वहां से कितना दूर गिरेगा ये डिस्टेंस मालूम करना है और वेलोसिटी गिरते वक्त की कॉम्पोनेंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों के, चले अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा वही डायग्राम मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर दी ताकि मैं काम भी करता रहूँ आपको समझ में भी आए। देखिए बेटा, जो कि हमें सबसे पहले इन्होंने एक्स निकालने को कहा है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्विंग एक्स। जब आप प्रोजेक्टाइल की मोशन को डिस्कस करते हैं तो हम लोग तीन इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, आपको याद होगा, उनमें से एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, एक इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, और एक इक्वेशन है वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा x निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, हमने यहाँ अप्लाई किया x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, v नॉट x हमें गिवन है 40, तो यहाँ आ गया 40, t मुझे नहीं मालूम था मैंने इसको 1 का नाम दिया क्योंकि पहले t पता करना पड़ेगा, तो हम t को सॉल्व करने निकलते हैं। सपोज मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू सॉल्व टाइम t, ये वो टाइम है जब पैकेट यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैकेट जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कितना डाउनवर्ड आएगा 100, तो मैं ये थर्ड इक्वेशन को जब यूज करूँगा तो y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई की जगह माइनस 100 बिकॉज वो डाउनवर्ड मोशन में है। वी नॉट वाई बेटा, वी नॉट वाई जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो के साथ टाइम वो आगे खत्म हो जाएगा, माइनस हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर, माइनस का 100 जीरो मल्टीप्लाइड की खत्म हो गया, माइनस 9.8 डिवाइड बाय 2 इट इज 4.9 टी स्क्वायर, माइनस माइनस वुड बी कैंसिल आउट, 100 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4.9, ये तकरीबन 20 पॉइंट समथिंग होता है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4.9 ये बेटा 20.408, कितना 20.408। अब ये स्क्वायर आया है तो हमें यकीनन इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जब हमने इसका रूट लिया 20.408 का तो ये तकरीबन 4.5 सेकंड आया, ये टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x इज इक्वल टू 40 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह 180 मीटर, ये जवाब आ जाएगा। तो ये कितना दूर गिरेगा बेटा रिलीविंग पॉइंट से, 180 मीटर दूर गिरेगा, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अच्छा, दूसरी बात आपको Vx निकालना है बेटा, ये मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को याद करवाता हूँ, आप लोगों को मैं फिर रिवाइज करवा दूँ कि दो बातें याद रखनी है प्रोजेक्टाइल में। देखिए दुकान पर हम जब शॉपिंग करने जाते हैं लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा, यानी एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपने यही बात याद रखनी है, एक्सचेंज नहीं होगा, वाई सेम नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होता, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो शुरू में होता है गिरते दम तक आखिरी दम तक जब तक प्रोजेक्टाइल रहती है, एक्स कंपोनेंट में चेंजिंग नहीं आती, इसलिए आप कहेंगे
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा बेटा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती। तो जो शुरू में है वही आखिर में, तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। ये दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, एक्स और बी एक्स। ये वाई वाला जो कंपोनेंट है ये अब हम निकालते हैं। जैसे कि हमने एक्स को सॉल्व किया, 180 मीटर आया, वी एक्स हमने सॉल्व कर भी लिया और नहीं भी किया क्योंकि वो सेम रहता है। y कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, y कंपोनेंट के लिए इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन लगाई, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस का जी टी। वी नॉट वाई बेटा 0 है, g की वैल्यू 9.8, टाइम हमने निकाला था आपके सामने 4.5, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट माइनस ही रहेगा। माइनस बेटा इसलिए आएगा कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब वेलोसिटी को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो माइनस ही आंसर आएगा। तो हम इसको 9.8 और 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आया 44.1। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है 44.1 मीटर पर सेकंड। तो ये तीसरा आंसर आ गया, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 44.1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये न्यूमेरिकल हो गया खत्म बेटा, वन चैप्टर वन न्यूमेरिकल खत्म हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैं अभी जो मेरा लेक्चर आज चल रहा है उसमें मैं आपको सारे हॉरिजॉन्टल वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल के न्यूमेरिकल में कभी वो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पूछते हैं, कभी वो फाइनल वेलोसिटी ही पूछ लेते हैं। तो अब आप एक बात जहन नशीन कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए कि वो कंपोनेंट्स पूछे या फाइनल वेलोसिटी पूछे, कंपोनेंट्स तो निकालने पड़ेंगे। इन केस कि अगर वो वेलोसिटी पूछ ले फाइनल, कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड, तो कंपोनेंट्स तो आपने ऐसे ही निकालने होंगे। फिर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं याद है आपको, कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि इस न्यूमेरिकल में पेपर में चेंजिंग करके दे दे, भाई कंपोनेंट नहीं पूछे वेलोसिटी पूछ ले, तो आपने क्या करना है बेटा, 40 का स्क्वायर करना है और 44.1 का स्क्वायर करके सॉल्व करके वेलोसिटी बतानी है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। मैं इसी डेटा में, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 का डेटा है, इसी में आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 कराया जो पेज नंबर 131 पर था। अब हमारी 132 पेज पर न्यूमेरिकल नंबर 4 सेम है, बहुत 90% सेम है। अब देखिएगा लॉजिक कि इंशाल्लाह अगर आपको उसमें 50% भी समझ में आ गया तो इस न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह वो 50% जो रह गया वो भी समझ आ जाएगा। सुने, अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल, अभी पहले पैकेट था ना इमरजेंसी राशन का, अब वो बॉल हो गई, बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया विद फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इसका मतलब है ये किसी बिल्डिंग से ये बॉल को फेंका जा रहा है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 10 मीटर। आपको याद है वो जो हेलीकॉप्टर था वो 100 मीटर को, हेलीकॉप्टर 100 पर था तो यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है, 100 की जगह 10। न्यूमेरिकल नंबर 1 को मैं 4 में चेंज बता रहा हूं आपको। उसके बाद आपने करना ये है कि ये जो वेलोसिटी है, उसने कहा बॉल को फेंका है 21 से, आपको याद है पैकेट 40 से फेंका था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका है, वाई कंपोनेंट 0 होगा, पूरी वेलोसिटी उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगी और वो कितना है 21 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो आप देखें न्यूमेरिकल की डायग्राम वैसे ही बन रही है, यहाँ पैकेट की जगह बॉल आ गई है बस, और 100 की जगह 10 आ गया। अब ये बॉल जनाब जाके नीचे गिरेगी, तो वो कहता है हाउ फार, कितना दूर, विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, बताइए ये कितना दूर जाकर गिरेगा। तो मेरा बेटा आपको फिर वही मालूम करना है, एक्स मालूम करना है, और ये 40 की जगह वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 हटा दें, क्या लिख दें 21। तो आप देखें डेटा में सिर्फ वही चीजें हैं, 40 की जगह 21 आ गया, वी जोड़ वाई 0 है, वाई 100 की जगह 10 हो जाएगा, कहां पर गिर रहा है एक्स मालूम करना है। इस सवाल में जो थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इस दफा उसने टकराते वक्त की वेलोसिटी डायरेक्ट पूछी है, कंपोनेंट्स नहीं पूछे, कंपोनेंट्स पूछता तो कंपोनेंट बताते हैं, वेलोसिटी पूछी है तो हम वेलोसिटी बताएंगे। लेकिन आपको याद है
वेलोसिटी जब तक कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक, तो आपने बेटा करना ये है कि पहले x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी लगाना, वैसे ही वी नॉट एक्स यहाँ 21 t है, ठीक है 21 t। उसके बाद हम t सॉल्व करने जाएंगे जैसे कि पहले सॉल्व किया था। जब t सॉल्व करने जाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे v y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई बेटा -10, तो ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0 टी माइनस का जी, जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 9.8 टी स्क्वायर माइनस का 10, ये खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.04, इसका मैंने 2.04 का रूट लिया तो 1.4 सेकेंड अबाउट आ गया इसका आंसर। ये टाइम यहाँ पुट करेंगे, पुट इन वन, जब वन में पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 21.4, इसको सॉल्व करें तकरीबन 30 मीटर का आंसर आ जाता है। तो मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज है वो जो मैं आपको काम समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर रह गई बात वेलोसिटी कैसे पता करें, तो मैं आपको अब पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा, समझा रहा हूँ। देखें, फाइनल वेलोसिटी वी चाहिए मेरा बेटा, फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक वी एक्स चाहिए होता है और एक वी वाई, ये फार्मूला है। तो बेटा वी एक्स याद रखना, जो वी नॉट एक्स होता है वही वी एक्स होता है। तो इस फार्मूले में हम करेंगे ये कि ये जो वी एक्स है इसकी वैल्यू तो हम रख देंगे 21 का स्क्वायर, और वी वाई को वैसे निकालेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाला, किस फार्मूले से निकालेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। मैं जब सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर -14 m/s आएगा, डाउनवर्ड है तो माइनस में आएगा, ये यहां पर हम रखेंगे तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, तो तकरीबन इसका आंसर 25 m/s के 25.2 m/s ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये सॉल्व नहीं करके समझा रहा, मैंने बता दिया एक्स सॉल्व हो जाएगा, वी एक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो वही रहता है 21 है 21 ही रहेगा। वी वाई सॉल्व करने के लिए ये तरीका जो बताया था वो यूज़ करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वी निकल आएगा। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करवाया। अब मैं आपको करवाऊंगा सॉल्व एग्जाम्पल, जो ज़रा मुश्किल है बच्चे पूछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल 4.2 पेज नंबर 109 पर, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल मोशन। अ टेनिस बॉल इज सर्व, अगर आप टेनिस देखते हो तो टेनिस में बॉल ऊपर उछाल के हम उसको सर्विस करते हैं, सर्व मतलब सर्विस करना। अ टेनिस बॉल इज सर्व्ड, एक टेनिस बॉल सर्व की जाती है हॉरिजॉन्टली, फिर वही बात आ गई हॉरिजॉन्टली, तो उसने कहा सर्व की जाती है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ 2.4 m, कितनी हाइट है जी 2.4 m अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली की जाती है, विद वेलोसिटी 30 m/s। तो फिर वही बात कि भाई पूरी वेलोसिटी उसका एक्स कंपोनेंट होगी, वाई कंपोनेंट 0 होगा, रट लें इस बात को, समझ लें बात को। अब ये इसने सर्व कर दी, वो कहता है द नेट जाली 12 m अवे, इस बॉल से दूर जो नेट होता है उस गेम में एक नेट होता है, ये वो नेट है, ये जो नेट है ये 12 m अवे, ये 12 m अवे है और ये नेट 0.9 m हाई। विल बी बॉल क्लियर द नेट, वो सवाल पूछ रहा है कि ये जो बॉल है क्या ये नेट को क्लियर कर जाएगी या इसमें ही फंस जाएगी। अभी तो मैंने ये फर्जी डायग्राम बनाई है, हो सकता है ये इसमें जाके फंस जाए नेट में, पूछ रहा है वो कि आप बताएं कि ये बॉल क्लियर कर जाएगी कि नहीं, ये फैसला करके हमें बताना है। और इसका दूसरा पार्ट ये है कि वेयर विल द बॉल लैंड, ये बॉल कहाँ लैंड करेगी, अगर टकराए, अगर यहाँ फंस गए तो खत्म सवाल, वरना अगर वहां गिरेगी तो कितनी दूर जाके गिरेगी, एक्स बताना। सवाल वैसे ही है, थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते हैं। पहले बेटा हम करेंगे ये, हम यहां से नेट है 12 m दूर, पहले हम मालूम करेंगे कि बॉल को यहां से यहां पर पहुंचने में कितना वक्त लगा टाइम, उस टाइम के ऊपर
मैं इस बॉल की हाइट पता करूंगा, अगर वो हाइट नेट की हाइट से ज्यादा आई तो बॉल क्लियर कर जाएगी, नहीं छोटी आई तो वो उसमें फंस जाएगी। तो ये हम पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जरा इसको डेटा बेटा मैंने इसी में समझा दिया आपको, ठीक है। इसमें वाई भी कंफर्म नहीं है, समझाता हूं आपको। देखें, पहले मैंने लगाया एक्स, ये इसको मैं पहले एक्स सपोज करूंगा, ये मेरी मोशन में कंसिडरेशन है, वो वाला अभी हमारे पार्ट नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, डेटा इसी में बना हुआ है। बेटा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। वी नॉट एक्स कितना? 30। एक्स कितना? 12। टी तो टी आ जाएगा 12/30, सॉल्व किया 0.4 सेकेंड। पता ये चला कि बॉल को यहां से यहां पहुंचने में 0.4 सेकेंड लगेंगे। अब इस टाइम में बॉल की हाइट क्या है वो चेक करते हैं। वी नॉट वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। वी नॉट वाई बेटा 0 है, टाइम 0.4 है, जी 9.8 है, टाइम 0.4 का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। माइनस 9.8 डिवाइड बाई 2, 4.9, 0.4 का स्क्वायर 0.16। इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तो 4.9, 4.9 मल्टीप्लाई 0.16, 0.784, आंसर आया 0.784। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है ये खुद ब खुद आएगा, इसलिए आएगा कि बॉल यहां से यहां तक नीचे आएगी, डाउनवर्ड। मैं पहले बता चुका हूं, जब बॉल डाउनवर्ड आए तो वाई नेगेटिव ही होता है, तो ये वाई नेगेटिव है। इसका मतलब है कि बॉल ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में? -0.784। बेटा ये बताओ, बॉल की इनिशियल हाइट 2.4 थी, ये बॉल यहां से जब यहां पर पहुंची तो ये कितना नीचे आ गई, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो ये रहा। कितना? मैं इसको रेड पेन से शो करता हूं, यानी बॉल यहां थी 2.4 मीटर की हाइट पर, अब वो बॉल नीचे आ गई यहां तक, तो ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला वो आ गया 0.784। तो बॉल की करंट हाइट, यानी यहां पर जो हाइट ऑफ द बॉल, एच ओ बी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाइट ऑफ द बॉल, वो क्या रह जाएगी? 2.4 तो थी, माइनस ये कम हो गई हाइट, तो -0.784। इसको सॉल्व करते हैं, 2.1.6, तो हाइट ऑफ बॉल आई 1.61 मीटर। तो बेटा क्या ख्याल है, नेट की हाइट कितनी है? 0.9, और बॉल की हाइट कितनी है? 1.76। इसका मतलब है बॉल जो है वो नेट से काफी बुलंद है, ऊंची है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगी। तो आप लिखेंगे जी श्योर इट विल क्रॉस, इट विल क्लियर द नेट। बस समझ में आई बेटा, उम्मीद है मुझे समझ में आई होगी। आप लोगों को क्या करना है, पहले हमने इस मकाम पर, इस पर हमने टाइम पता किया कि यहां से यहां तक बॉल 0.4 सेकेंड में पहुंची, फिर हमने बॉल की हाइट पता की तो पता चला कि 0.4 सेकेंड में ये बॉल इतना नीचे आ गई, तो बॉल की हाइट 2.4 थी, इतना नीचे आ गई। तो अब हाइट ऑफ बॉल 1.61 है यहां, तो ये 1.61 0.98 से ज्यादा, 0.9 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा पार्ट करना है कि ये बॉल कहाँ लैंड करेगी। अब ये डिस्टेंस पता करना है, अब ये वाला एक्स नहीं है, अब ये एक्स नहीं, अब ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये एक्स निकालना है, देखो एक्स का फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। वी नॉट एक्स बेटा 30 है, टी नहीं पता। अब ये मत सोचिएगा कि टी तो पता किया था सर ने 0.4, वो जो टी था टाइम था वो यहां का टाइम था, अब हमें यहां तक का टाइम पता करना है कि बॉल कितनी देर में नीचे पहुंचेगी। तो बॉल यहां से यहां तक कितनी देर में आएगी, ये टाइम पता करना है। तो इस टाइम को इस्तेमाल करने के लिए मुझे पता चलेगा कि बॉल यहां से यहां तक कितना नीचे आएगी, इतना नीचे, फुली नीचे गिर जाएगी जमीन पर। तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
वी नॉट वाई जीरो, जी की वैल्यू 9.8, टाइम निकालना, वाई की वैल्यू बेटा 2.4 माइनस, क्योंकि ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड मोशन है, माइनस बिल्कुल जमीन गिर जाए, माइनस का 2.4 इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय 2, माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, माइनस माइनस वुड बी कैंसिल आउट, टी स्क्वायर बराबर आया 2.4 अपॉन 4.9 टी स्क्वायर, ये आ गया तकरीबन 0.48, इसका जब हमने रूट लिया तो ये आया 0.69, जिसको मैंने तो राउंड ऑफ करके कितना कर दिया 0.7, यानी बॉल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में 0.7 सेकंड लगेगा। जब हम x निकालेंगे, पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो 30 ये रहा, टाइम की वैल्यू बेटा, सॉरी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 0.7, मल्टीप्लाई करेंगे 21 मीटर, ये आंसर आ गया, तो यहाँ बॉल लैंड कर जाएगी। तो ये तीसरी वो सवाल न्यूमेरिकल था जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का था। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1, पेज नंबर 131 पर, पेज नंबर 132 पर न्यूमेरिकल नंबर 4, और सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 109 पर 4.2। तीनों का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा वक्त की कमी होती है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कराया है, और पेपर भी बच्चों के आपके करीब हैं। तो बेटा इसके लिए मुझे ज़रूर इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे फीडबैक भी आप लोग अपने कमेंट से देते रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे और लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें वैक्टर है, बिलखसूस रेजोलूशन ऑफ वैक्टर का टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी इंशाल्लाह, और फिर अगली वीडियो में हाजिर होंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं प्रोजेक्टाइल के दूसरे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो हॉरिजॉन्टल के नहीं होंगे, जो ऑब्लिक टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।